धनबाद में पोस्टमार्टम के दौरान दो शवों के शरीर के कुछ हिस्सों से मांस गायब। घटना को लेकर परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। बता दें कि धनबाद जिले के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले SNMMCH अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। SNMMCH में मंगलवार को शव के साथ छेड़छाड़ किए जाने की घटना को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है, जिसमें परिजनों का आरोप है कि उसके परिवार के मृत शरीर के साथ छेड़छाड़ कर कुछ अनैतिक कार्य को अस्पताल कर्मियों द्वारा किया गया है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल कर्मियों से बात करने पर बताया गया कि शव को चूहे द्वारा काटा गया है, परंतु अहम सवाल यह है कि दो मृतकों के शव को एक निश्चित स्थान पर वह कैसे काट सकता है, वह अपने आप में संदेहास्पद है। इसी सवाल को लेकर मृतक के परिजन अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों गौशाला उपी क्षेत्र के BIT सिदरी के बाहर नंबर गेट के समीप एक चारपहिया वाहन की चपेट में आने से सड़क दुर्घटना हुई थी। लमसम 2:30 बजे के आसपास हमारा दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। वो दूसरे के गाड़ी को बचाने के चक्कर में वो साइड से गया, रोड वहाँ खराब था तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया उसका। तो उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग उसको लोकल अस्पताल में ले गए और चासनाला अस्पताल में भी ले गए। वहाँ पे क्या हुआ कि सब डॉक्टर ने प्राथमिक जो भी करना था उन लोगों ने किया। वहाँ पे भी जो न्यूज़ वाले आए थे वहाँ पे भी दोस्त लोग थे, फिर हम लोग भी थे, तो वहाँ वीडियो बना। उस टाइम पे उसके बॉडी में कोई एडिशनल कुछ कहीं पे कुछ चोट उट नहीं था। फिर यहाँ पे जब उसको लाया गया लमसम 4-5 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे काफ़ी देर तक लोग थे। फिर एक और दोस्त साथ में, दो दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ था, तो एक दोस्त दूसरा हॉस्पिटल में था। तो यहाँ पे उसके घर वाले कुछ लोग आ गए थे, आसपास के लोग आ गए थे, तो हम लोग वहाँ से छोड़ के उसको दूसरे हॉस्पिटल में चल गए दूसरे दोस्त को देखने के लिए। तो वहाँ से करीबन आधा घंटे का ड्यूरेशन हुआ होगा, आधा से एक घंटे का ड्यूरेशन हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आए, उस टाइम पे एक और दोस्त हमारा आया हुआ था जमशेदपुर से, वो बोला कि मुझे देखना है, तो उसको ले जा करके दिखाए। तो उस टाइम पे देखने में फिर अचानक से क्या हुआ ना कि एक का बस क्या कुछ हुआ कि उसने एक शर्ट हटा दिया। सब देखते देखते अचानक से उसका शर्ट हटा दिया, जो कि शर्ट आराम से मतलब कि टग इन हो रखा था, आराम से उसको सब ठीक से था। वो हटाया उसने अंदर से, तो देख रहा है कि वहाँ पे मांस गायब है उसका वो लेफ्ट साइड में। फिर थोड़ा देखने के बाद मालूम चला कि उसका यहाँ पे भी एडिशनल वो वहाँ पे भी मांस गायब है। तो फिर उसके दिमाग में कुछ आया, तो उसने बगल वाले एक और बॉडी था जो कि उसी टाइम 5-10 मिनट आगे बाद में आया था, तो आया तो फिर उसको क्या आया तो फिर उसने उसका भी हटाया तो सिर्फ उसका भी लेफ्ट साइड में ही उसका भी वो वहाँ पे गड्ढा हो रखा था। तो इसका भी गड्ढा उसका भी गड्ढा दोनों लेफ्ट साइड ही हो रखा है। तो हम लोग को सस्पिशन हुआ, तो फिर हम लोगों ने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि सर आखिर ये कैसे हो गया, जब हम लोग लेके आए थे तब तो था नहीं, ये कैसे हुआ। तो लोग बोले कि दूसरे से पूछो, डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर पूछा, स्टाफ से पूछो, स्टाफ बोलता हमें नहीं मालूम। फिर सुबह में हम लोग आए तो सुपरिटेंडेंट सर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि देखो हमें भी नहीं पता इसके बारे में, ये केस न्यू है। फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग वहाँ पे आए तो सुपरिटेंडेंट सर ने पहले बोला कि वेट करो पोस्टमार्टम का, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम चल जाएगा कि इंजरी पहले का है, डेथ के पहले का है, डेथ के बाद का है। तो हमने बोला ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वेट किए। फिर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ का प्रशासन दोबारा, फिर और भी कुछ लोग आए सुबह में, वो लोग बोलते हैं कि पहले से था। फिर कुछ और लोग आए, वो बोलते हैं क्या सब मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लोग बोले कि चूहा खा गया। मतलब कि आप लोग का कैसा मतलब कि प्रशासन है कि जो बॉडी हमने छोड़ के गए और चूहा खा लेगा। मैनेजमेंट कैसा है आपका कि आप लोग मतलब डिसमैनेजमेंट कर रहे हैं बॉडी को? शरीर का कोई पार्ट भी गायब है क्या? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम चला, लेकिन ये कि बड़ा साइज का वहाँ पे गड्ढा हो रखा है, और गड्ढा ऐसा नहीं है, गड्ढा ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि कोई किसी चीज़ से काटा है, किसी गर्म चीज़ से काटा है, क्योंकि साइड साइड में थोड़ा सा चमड़ी जला हुआ भी है उसमें जी, दोनों बॉडी में जला हुआ है। क्या लगता है क्या हो सकता है? प्रबंधन की लापरवाही मान सकते हैं इसे? हाँ, हॉस्पिटल के लिए पढ़ाई, हाँ हॉस्पिटल की इसमें लापरवाही है। और जिस दोस्त ने हमारा देखा था वो, तो उसका ये भी मानना है कि समय नहीं मिला, कुछ और मनसा कुछ और रही होगी, समय नहीं मिला क्योंकि आधा घंटे में ही लोग आ गए थे वापस, तो शायद हो सकता था कुछ और भी हो, ऑर्गन भी निकाल सके, चाहे कुछ भी हो सकता था, क्लियर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पूरा क्लियर हुआ नहीं, लेकिन गड्ढा दोनों में है, दोनों लेफ्ट साइड में ही है, और वो भी किडनी के पास ही है। क्या नाम हुआ आपका? तनवीर अहमद। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ? नहीं अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी होगा। आप कौन है उसके दोस्त? हैं दोस्त।